let's continue from the remaining part of the Trial of Terror. Dear students, हम आप लोग को रोबेस्पियर की रूलिंग के बारे में बता रहे थे कि उसकी रूलिंग कितना हार्डशिप था, राइट? वो एक डिक्टेटरशिप से भी डेंजरस रूलर के रूप में था, लेकिन इसके साथ ही वीकर सेक्शन के लिए और वहाँ के सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट के लिए उनके द्वारा कुछ काम किया गया था. दे ही जस्ट टुक सम स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, राइट? सो वॉट आर द चेंजेस ब्राउट बाय रोबेस्पियर? द फर्स्ट, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड वेजेज, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज, राइट? मीन्स जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, कैरी करने का था, ठीक है, उन सारे पर क्या क्या गया, सीलिंग लाया गया, राइट? और उसको लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है, कि एक सर्टेन लिमिटेशन में, एक फिक्स क्वांटिटी में ही कहीं पर उसको ले जाया जा सकता था. और उसके लिए टैक्स जो था उसको फिक्स कर दिया, जिस टैक्स को तीनों ग्रुप के लोग, चाहे क्लर्गी हो चाहे नोबल्स हो, मतलब इच फॉर इच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ, फॉर इच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, दे विल जस्ट इंजॉय विद दिस राइट. अपार्ट फ्रॉम, आई जस्ट टोल्ड यू, द वोटिंग राइट्स विल बी गिवेन टू ऑल मैन, वोटिंग राइट्स विल बी गिवेन टू ऑल मैन विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स. बिना एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस किए हुए सभी को वोटिंग राइट्स, 21 और 21 से ज़्यादा जो भी थे उन सारे लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिया गया. लेकिन याद रखना है केवल मेल को, फीमेल को नहीं, राइट? उसके बाद मैक्सिमम सीलिंग वेजेस पे लाया गया. कहता है मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, चूंकि मीट और ब्रेड वहां का कॉमन फूड था तो उसके लिए राशन के माध्यम से, राशन शॉप के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम, जिस तरह से इंडिया में पीडीएस है उसी तरह से उसका एक फिक्स शॉप कर दिया गया. और उस फिक्स शॉप पर सभी को वो देने का अरेंजमेंट किया गया, इस आधार पर नहीं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेकिंग डिफरेंस ऑन द क्लर्गी और नॉवेल्स और द कॉमन पीपल, इच एंड एवरी पीपल्स विल बी गिवेन टू बाय और गेट मीट एंड ब्रेड फ्रॉम राशन शॉप, ठीक है? तो सर उसके लिए उसको मतलब एक राशन शॉप का ये कर दिया जहाँ से सभी को ब्रेड मिल सके. मतलब अब पहले जैसे था कि ब्रेड जो था वो मतलब क्लर्गी और नोबल्स के लिए बहुत फाइन क्वालिटी के होते थे, लेकिन उसको ख़त्म करके उसने क्या कर दिया, ऐसा एक मतलब आटे का अरेंजमेंट किया जो सभी को समान रूप से मिले, चाहे वो क्लर्गी रहे, चाहे नोबल्स रहे, रिच रहे, पीपल रहे, पीपल पुअर रहे, सभी को वो मिल सकता था, ठीक है? The meat and bread were ration, कहता first selling of food grains, ठीक है? और जो भी food grains आदि को जो store करके रखने का था, ये जो स्टोर करके रखते थे बिजनेसमैन, उसको पूरी तरह से वो मॉनिटर करता था कि कोई भी उसको फोर्स मतलब स्टोर करके नहीं रख सकता है जिससे कि कॉमन पीपल्स को मिलने में दिक्कत हो, ठीक है? मतलब अनाज, फूड ग्रेन्स सभी पीपल्स को कंफर्टेबली और आसानी से अवेलेबल हो, ऐसा अरेंजमेंट उसने किया, ठीक है? फोर्स सीलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स. उसके बाद प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी फॉर ब्रेड. अभी मैंने बताया कि वो जो क्वालिटी, डिफरेंट क्वालिटी था, उस डिफरेंट क्वालिटी को उसने रिमूव कर दिया और सभी के लिए एक समान ब्रेड का अरेंजमेंट किया, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, दे विल गेट इक्वली सेम टाइप ऑफ ब्रेड, राइट? इतना ही नहीं, देर वेयर चेंजिंग इन सोशल स्टेटस ऑल्सो, देर वेयर चेंजिंग इन सोशल स्टेटस ऑल्सो. वॉट वेयर द चेंजिंग ऑफ द सोशल स्टेटस, राइट? सो इनिशियली वॉट एवर द सर इज usually called monsieur and madame. तो monsieur और madame बोलने का जो provision था, उस provision को हटा करके वहाँ पे citizen और citoyens बोलने का provision start किया. पहले male को
मोनिस्योर्स और फीमेल को मैडम कहा जाता था, और मोनिस्योर्स और मैडम्स कहने की प्रोविजन को हटा करके उसने सिटीजन और सिटियोन्स कहने की को पॉपुलराइज किया। उसके बाद इतना ही नहीं, जितने भी जो क्लर्गीज के चर्च आदि थे उन सारे चर्च को उसने बंद करवा दिया। ऑल चर्च चर्चेज वेयर शट डाउन। एंड ये चर्च को जब बंद करके उसने क्या किया, उस सारे चर्च को उसने बैरक पुलिस और आर्मी आदि को रहने के लिए या अपने ऑफिसर्स को रहने के लिए या डिफरेंट ऑफिसेज खोलने के लिए सारे चर्च को बंद करके उसके जगह पे बैरक्स और ऑफिसेज के रूप में उसको यूज किया जाने लगा। कहता है कि मींस देयर वाज रूलिंग सच टाइप दैट विल गिव फ्यू प्रायोरिटी टू द कॉमन पीपल और बिलोंगिंग फ्रॉम द weaker section. Since during his reign there were a lot of death happened, a lot of punishment will be given. That's why his ruling is known as the period of reign of terror. Actually जैसा कि हम बता रहे थे कि इसके इनके कुछ खास अपने ही दुश्मन थे, अपने पॉलिटिकल पार्टीज, अपने पॉलिटिकल ग्रुप जैकोबिन्स क्लब के लोग ही इसके अगेंस्ट में बोलना शुरू किए। ठीक है, तो इस कारण से लास्टली क्या हो गया, इनके ऊपर बहुत से करप्शन का केस, इनके विरोधी जो थे मतलब अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के, इसके अगेंस्ट में जब आवाज़ उठाना शुरू किया, उसके बाद कॉमन पीपल्स भी इसके अगेंस्ट में आवाज़ स्टार्ट किया, जिसके कारण से लास्टली कन्वेंशन ने इसके ऊपर मतलब ट्रेजन चलाया, मतलब देशद्रोह की मुकदमा चलाई, और मुकदमा चलाने के बाद इसको भी कब उसके काउंट के द्वारा 1794 को जुलाई 1794 को इनको पनिशमेंट सुनाया गया कि इन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाए। और अगले दिन ही वह उसी गुलेटिन, जिस गुलेटिन से इतने हजारों मौत करवाया था, उसी गुलेटिन पे रॉबर्ट पियरे को भी लटका दिया गया। और इस प्रकार से कहते हो राइन ऑफ टेरर की एंड हो गई। तो फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में क्या कुछ होता है कि रॉबर्ट पियरे के खत्म होने के बाद क्या जैकोबिन्स क्लब की रूलिंग खत्म हो जाती है या क्या कुछ होता है, हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे,